मफिन देखा आपने सुना मफिन मफिन बात सुनो मेरी मफिन मामा बोलो फिर से नूर क्या कह रही हो नूरी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। आज विनी के बच्चों को 2 डेज हो गए हैं पैदा हुए हुए, तो मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे अब कैसे हैं। और जो हमारी बाकी कैट्स हैं ना, वो भी कोई इतना ज़्यादा उन्होंने रिएक्ट नहीं किया नए बच्चे देखकर, और ना ही वो बिनी को तंग कर रहे हैं ना बिनी गुस्सा कर रही है। वरना जब मिनी के बच्चे पैदा हो गए थे तो मिनी बहुत गुस्सा करती थी, कोई उसके बच्चों के पास आता था, लेकिन बिनी बहुत रिलैक्स है। हाँ, फर्स्ट डे वो कर रही थी गुस्सा, लेकिन अब आज वो बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही है, बिल्कुल रिलैक्स है। अभी मैं रात के लिए अपने लिए कहवा बना कर लाई हूँ, और सारे बच्चे समझ रहे हैं कि मैं चाय ले आई हूँ। इनको चाय बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे पास सब भाग के आ रहे हैं, लेकिन इसकी स्मेल से इनको उलझन हो रही है। बगीरा बगीरा साशा, ये हमारी छोटी साशा, और बगीरा आपने पीने आपने ये देखें देखें कैसे पीछे पीछे हो रहा है। सुल्तान को देखे माशाल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा, मैंने आज ना जरा ओवर ईटिंग कर ली है, तो मैं इसलिए कहवा बनाकर पीने लगी हूँ। वैसे यूजली मैं ये नहीं पीती, मैं सुबह के टाइम अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ। अभी जो मैंने कहवा बनाया है, इसके अंदर मैंने डाला है सौंफ, जीरा और अजवाइन। 2 कप्स मैंने वाटर लिया था, उसको बॉईल किया, जब 1 कप रह गया तो बस स्टेन करके मैं ले आई हूँ। मेरा कप डार्क कलर का है, इसलिए बहुत डार्क कलर का आपको ये लग रहा है, लेकिन ये येलो कलर का बनता है। अभी हम लोग बाहर से आए हैं, मामा के घर गए हुए थे, तो घर आए हैं, फिर सब हमारे पास आ गए हैं। ये मेरे साथ लाठियां करने आए हैं सारे, जब भी मैं आगे से बैठता हूँ मेरे पास आ जाते हैं, उनसे बहुत माशाल्लाह प्यार करते हैं। बिनी भी ऊपर आई हुई है, बिनी ने अपने आप को कितना ज्यादा क्लीन कर लिया खुदी। बिनी देखें बिल्कुल एक दिन के अंदर अंदर साफ हो गई है, कैट्स को भी अपने आप क्लीन कर लेती है, और माशाल्लाह बिनी बहुत ज्यादा खुश है अपने बच्चों के साथ। पता ही नहीं चल रहा कि इसकी डिलीवरी हुई थी, देखें जरा सा ब्लड का एक कतरा भी नहीं है। स्कूबी अभी आपका भी नंबर आएगा मेरे बेटे, आपको भी खाने को देते हैं, बहुत सारा खाना दूंगा अपनी जान को। तो कूबी ने ना आज पता क्या किया है, आज ना मैंने इसके लिए बोनलेस इतना बड़ा चिकन रखा पीस पूरा, मैं जब बाहर गया तो उसको भी ना आधे से भी ज्यादा खा लिया था। इस पेट बिल्कुल फुल है और वो आराम से बैठा हुआ, जिसे कोई फिक्र ही नहीं। नूर क्या कह रही हो आप? नूर क्या कह रही हो नूरी? नूर वैसे ही प्यार करती है, नूरी ने खाना खा लिया, नूरी का पेट भी फुल है। नूरी नूरी क्या खाना है? अभी तो नूरी ने इतना सारा खाना खाया है, नूरी ने इतना सारा खाना खाया है। मफिन देखा आपने सुना मफिन बात सुनो मेरी मफिन मामा बोलो फिर से। ये देखें जी बिनी, ये मेरा बिल्लू आ गया।
अच्छा बिनी जो है ना, बिनी कोई अब कॉटन में नहीं डेट रही, वैसे भी कॉटन बहुत छोटा था तो हम लोगों ने उसको काट लिया, फिर मैं बड़ा लेकर ही नहीं आई क्योंकि बिनी यहाँ पे बेड पे ज़्यादा रिलैक्स है। तो ये बिनी के बेबीज़ हैं, माशाल्लाह से फीड कर रहे हैं, देखिए और हेल्दी हो गए। अच्छा जो किटन्स होते हैं ना वो डे बाई डे हेल्दी हो रहे होते हैं, तो इस तरह से ये हर दिन के साथ इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है माशाल्लाह से। और तीनों बच्चे फीड करने लग गए और जैसे ही फीड कर रहे हैं वो हेल्दी हो गए। और बिनी ने देखे अपने आप को कितना क्लीन कर लिया है, ये इसने अपने आप को लिख करके किया, हमने इसको कोई क्लीन नहीं किया ना हमने कोई बात की है। मफिन मफिन मम्मा मम्मा लगा हुआ है। इस वाले ने फीड कर लिया और इसको अब नींद आ रही है। और ये देखें माशाल्लाह। तो कल जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है बिनी के डिलीवरी व्लॉग की, तो उस पर मुझे कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनका मुझे लगा कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप इतनी सारी कैट्स का क्या करती हैं, आपके हर रोज़ डिलीवरीज हो रही होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास कैट्स ज़्यादा हैं तो फिर कभी किसकी डिलीवरी होगी, कभी किसकी डिलीवरी होगी। और सेकेंड चीज़ ये कि किसी ने पूछा था कि आपके पास इतनी सारी कैट्स कहाँ से आई, तो मैंने सोचा चले मैं इस बारे में आपके साथ बात करती हूँ और आपको इसका रिप्लाई करती हूँ। मफिन ना मम्मा इतना प्यारा कहते हैं मम्मा। अच्छा हमारे घर में आप जितनी भी कैट्स देखते हैं, ये स्कूबी हो गया, बिनी, सब जितनी भी कैट्स आप हमारे घर में देखते हैं, ये मैंने कहीं से परचेज नहीं की है, ये सब हमारे ही घर में पैदा हुई हैं। और मैंने कैट्स जो रखी थी, मैंने अराउंड 4 ईयर्स पहले मैंने घर कैट्स रखनी स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं भी बहुत डरती थी कैट्स से, लेकिन ये सब कैट्स हमारे घर में पैदा हुए हैं सिवाय 2 बच्चों के। और वो 2 बच्चे कौन हैं, एक मफिन हमारे घर में पैदा नहीं हुआ है और एक बगीरा पैदा नहीं हुआ है। तो बाकी सब कैट्स जो हैं वो इसी घर में पैदा हुई हैं और हमारे ही हाथों में पली बड़ी हैं। तो हमारे घर में जो सारी कैट्स हैं ना वो सब इसी घर में पैदा हुई हुई हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आई हैं और कभी वो बाहर गई भी नहीं है, इसीलिए उनको इस घर की आदत है, वो हमारे साथ एडजस्ट हैं। कभी कभी हमारे घर कोई अब जब गेस्ट आ जाते हैं तो ये घबरा जाती हैं, इनको ना अकेले रहना अच्छा लगता है। तो मैं आपको बता रही थी कि सिर्फ मफिन और बगीरा जो हैं वो हमारे घर पैदा नहीं हुए। बगीरा है तो बेसिकली मफिन का ही बेटा, लेकिन बगीरा की मदर जो है वो हमारी नहीं है कैट, वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी कैट है। तो वो मफिन से मेट हुई थी तो इसलिए ये बगीरा पैदा हुआ था उनके घर, और बाद में फिर उन्होंने मुझे ये गिफ्ट कर दिया था। और रही बात मफिन की, तो मफिन को हम लोगों ने परचेज किया था। मफिन 1 मंथ का था, हमारी मोनी से भी छोटा था, ये मफिन ऑलमोस्ट सुल्तान जितना था जिस टाइम हमने मफिन को ख़रीदा था। और जिस तरह से आप ये देखें मोनी खेल रही है, जैसे मोनी एक्टिव है मफिन भी इतना ही एक्टिव था। और मफिन के साथ ना हमने मफिन का एक भाई भी लिया था, अच्छा वो भी बड़े मज़े की एक ट्रेजेडी थी, फुजैल। और उस टाइम हमें बिल्कुल कैट्स का एक्सपीरियंस नहीं होता था, तो फुजैल और मेरा भाई लेने गए ना मफिन को, पहले मफिन के भाई को लेने गए थे, उसके पास सिर्फ 2 किटन्स थे, दोनों 1 मंथ के थे। तो वो बहुत पतला पतला सा मुँह था, वो मिनी जैसा था ना, हमारी मिनी जैसा बिल्कुल। तो इन्होंने समझा कि वो लड़की है, तो ये उसको लड़की समझ के, और आगे वो सेल करने वाले ने भी कहा कि हाँ ये लड़की है तो आप ये ले जाओ, तो ये लड़की समझ के उसको परचेज करके लाए। जब वो घर आया, उसका नाम ईबा था, तो मैंने उसको देख के कहा, मैंने कहा नहीं फुजैल, मुझे डाउट है कि ये ना वो है, ये मेल है ये फीमेल नहीं है। उस टाइम हमें ना जेंडर भी देखना नहीं आता था, फिर हमने किसी को दिखा के पता किया तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मेल है। उसके बाद फिर उसके 2-3 दिन के बाद फुजैल और मेरा भाई बिलाल दोबारा गए और मफिन को ले आए, और मफिन को लेके जैसे ही घर में एंटर हुए थे ना, तो मैंने कहा था बस ये तो मेरा मेरे पास ही हमेशा रहेगा, ये मैं कभी किसी को नहीं दूंगी।
और मफिन माशाल्लाह से तब से अब तक हमारे साथ है, बस 1 मंथ हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन रहा तो इसी घर में है ना। तो अब तो हमें माशाल्लाह से बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने वैसे इस जेंडर के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है कि कैसे जेंडर का पता चलता है। मैक्स आप क्यों आए हो मेरे पास? बिलू हमारे पास मफिन था जब हम इस घर में आए, और मफिन की जब फर्स्ट बर्थडे हुई थी और मफिन के भाई ईवा की, उसका व्लॉग मेरे चैनल पर है। मेरे पास उस टाइम सिर्फ ये 2 कैट्स होती थी ना, चेयर को स्क्रैच करते हैं, तो उस टाइम मेरे पास सिर्फ 2 कैट्स थी। ईवा की डेथ हो गई उसकी बर्थडे के 10 डेज बाद ही, और ईवा की डेथ के बाद मफिन बहुत स्ट्रेस में चला गया था। मफिन इतना स्ट्रेस में था कि मफिन खाना खाना ही छोड़ गया था। हम लोग मिनते करते थे, आधा घंटा लगाता था, 1 घंटा लगाता था, फिर थोड़ा बहुत खाता था। तो देखिए कैसे इसने पहले भी कितनी दफा बोला, ये देखिए सारा दिन मुझे ऐसे मम्मा मम्मा कहता रहता है घर में। बहुत मेरी तो जान है मफिन में। आप सब कहते हैं ना कि मैं मफिन से इतना प्यार क्यों करती हूँ, मफिन के मम्मा कहने की वजह से मुझे उसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और ईवा की डेथ के बाद ना मैं भी बहुत स्ट्रेस में गई थी, तो मेरा स्ट्रेस जो है ना मफिन ने ख़त्म किया, और मफिन बहुत स्ट्रेस में था तो हमने सोचा कि नहीं अब मफिन के साथ कोई फीमेल होनी चाहिए। फिर हमने ली थी मिस मैगी, हमारी नूर की दादी। नूर ना हम लोग अक्सर कहते हैं ना वीडियो में कि नूर अपनी दादी जैसी है, मैगी की भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। और जिससे हमने ली थी उसने हमारे साथ एक ब्लंडर भी किया था, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी उसकी स्टोरी, क्योंकि वो फिर एक काफ़ी लंबी स्टोरी हो जाती है। फिर हम जब मैगी को लेकर आए तो मैगी मम्मा वगैरह की कैट थी, तो मैगी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। हमारे घर आके उसने फर्स्ट बेबीज़ डिलीवर किए थे, और जो फर्स्ट बेबीज़ मैगी ने डिलीवर किए थे वो थे जोए, जिगी और स्कूबी। उसके बाद से बस हमारी फैमिली बढ़ती गई, फिर मफिन के बच्चे हो गए। वीडियो बना रही हूँ, ये मैक्स मेरे हाथ से ना फ़ोन ले रहा है। मैक्स आपकी आईज कितनी प्यारी है, माशाल्लाह ऑलिव ग्रीन आईज हैं। तो भी अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज किसी ने मुझसे पूछा था कि आप इतनी सारी कैट्स का क्या करती हैं, इतने सारी कैट्स जो हैं आपके बच्चे देती रहती हैं, तो भाई मैंने क्या करना है, मुझे इनसे प्यार है और ये मेरे पास रहती हैं और हम लोग इनको खाना खिलाते हैं, हम इनकी टेक केयर करते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी सारी कैट्स रखने से, तो किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। ये मेरी जान है और ये मेरे साथ ही रहेंगी। मुझे इन सब से बहुत ज़्यादा प्यार है, इतना प्यार है ना कि इसलिए मैं इनको अपने साथ हर वक्त रखती हूँ। और रही बात कि ये मेरे घर में इतनी सारी क्यों है, तो ये इनकी किस्मत है। हर इंसान की किस्मत अल्लाह ताला ने लिखी है, इंसानों ने नहीं लिखी है। मेरी किस्मत में भी यही था कि मेरे पास इतनी सारी कैट्स होंगी, और इनकी किस्मत में भी यही था कि ये हमारे घर में पैदा होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। हमने खिलाना है, मैंने और फजैल ने खिलाना है, हम लोगों ने इनका ख्याल रखना है, इनकी टेक केयर करनी है। हमें प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मर्जी हो जाए, इससे डबल भी क्यों ना हो जाए। और मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्लियर कर दिए थे डिलीवरी से रिलेटेड, लेकिन एक बात मैं भूल गई थी। तो आज किसी ने कमेंट किया तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा वीडियो में भी बता दूंगी ताकि आप सबको पता चल जाए कि कैट को प्रेगनेंसी में भी नहीं नहलाते, ठीक है? क्योंकि प्रेगनेंसी में कैट जो है हमेशा नहाने से स्ट्रेस में आती है, और हमने कैट को स्ट्रेस फ्री रखना होता है, इसलिए कैट को प्रेगनेंसी में भी नहीं नहलाना। और डिलीवरी के बाद आप 1 मंथ के बाद नहला सकते हैं, 1 से 2 मंथ्स के बाद आप अपनी कैट को नहला सकते हैं, और किटन को 2 मंथ्स के बाद ही नहलाएं, उससे पहले ना नहलाएं। सो बस यही थी आज की मेरी वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आज चेक कर रही थी तो 72% लोग ऐसे मेरी वीडियोस देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ये तो वैसे ज्यादती है ना मेरे साथ, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, बिजी शेड्यूल से आपके लिए ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं, जस्ट एक क्लिक ही करना होता है ना। और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे ब्लॉगिंग चैनल का भी लिंक है जिसमें मैं अपनी कुकिंग रेसिपीज डालती हूँ, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें। और बस मिलूंगी आपके साथ इंशाल्लाह कल किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।